तो देखो अंतरिक्ष की खोज, ये जो तीसरा टॉपिक था एनसीईआरटी का, अध्याय 3 में हम पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी। अंतरिक्ष की खोज में आप लोग हेडिंग लगाइएगा अंतरिक्ष खोज का इतिहास, अंतरिक्ष खोज का इतिहास। अंतरिक्ष खोज का इतिहास, किस तरीके से अंतरिक्ष की खोज की गई और इसकी हिस्ट्री या इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले किसने अंतरिक्ष का पता लगाया, भारत में अंतरिक्ष की खोज के लिए आज तक कितने प्रयास किए गए, इन सब चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर में रहेगी। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सभी जो करंट चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये केवल करंट इश्यूज में शामिल किए जाएंगे, इसमें अंतरिक्ष की खोज से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी लिख रही है कि भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील है, और यदि भारत के खगोलविदों की सूची जानी जाए जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया, तो उनमें आपके आएगा सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट के बाद में वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ये तीन नाम अंतरिक्ष की खोज के लिए भारतीय अंतरिक्ष खगोलविदों में लिए जाते हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य, ये तीनों नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य, इन तीनों नामों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इन्होंने, इनमें सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो योगदान है वो क्या है, सबसे पहले देखिएगा, ये इन्होंने सबसे पहले ये मान्यता दी थी कि धरती गोल है। आर्यभट्ट ने ये बताया कि धरती का जो आकार है वो कैसा है, गोल है, पृथ्वी गोल है, ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट भारत के प्रमुख खगोलविद हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद में इन्होंने एक चीज और भी कही थी कि यह पृथ्वी स्थिर नहीं है। पहली चीज उन्होंने ये बताई कि धरती गोल है, दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसका मतलब है कि ये घूमती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है। और ये बात इन्होंने ईसा से 5 सदी पूर्व बताई, 5वीं सदी ईसा पूर्व इन्होंने ये बात बताई थी कि धरती स्थिर नहीं है और धरती चक्कर लगाती है। और लगाया था बात किसने, पता लगाया? आर्यभट्ट ने। तीन नाम हमने देखे थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य, ये तीनों ही भारत के महान खगोलविद हुए हैं, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि ये धरती गोल है और ये स्थिर नहीं है, इसका मतलब ये चक्कर लगाती है, और ये बात ईसा से 500 साल पहले बता दी थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि इसके घूमने के कारण हमें लगता है कि तारे हैं वो उदय और अस्त होते हैं, और धरती की घूमने की वजह से हमें लगता है कि ये तारे उदय होते होंगे, अस्त होते होंगे। आज तो हमारी मान्यता क्या है, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। इस बात का, यानी कि तारों के उदय होने का और अस्त होने का सबसे पहला पता इन्होंने पता लगाया कि इस वजह से ही होते हैं, सूर्योदय और सूर्य का अस्त होना, ये किस वजह से? धरती के घूमने से। इन धरती स्थिर नहीं रहती है, इसलिए तारे उदय होते हैं और तारे अस्त भी होते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। उन्होंने पृथ्वी की जो परिधि बताई थी वो लगभग 34,835 मील बताई थी, 34,000
24,835 मील इन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई थी। लेकिन आपको ऐसी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है नहीं कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा जो परिधि बताई गई है 24,901 के लगभग बराबर है। वर्तमान समय में जो आधुनिक खगोलविद है, जो भूवैज्ञानिक है, इन्होंने 24,901 मील ये पृथ्वी की परिधि बताई है, जो लगभग लगभग इनके समान है। इन्होंने 24,835 बताया और आधुनिक जो भूगोलविद है वो बता रहे हैं 24,901 का। तो इससे जाहिर होता है कि आर्यभट्ट ने ईसा के 500 साल पहले भी धरती की परिधि के बारे में पता लगा लिया था। और ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में और इनकी परिधि के बारे में बताने लायक सबसे पहली चीज थी भारत के खगोलविदों के द्वारा। उन्होंने एक चीज का और पता लगाया, ये जो चंद्र ग्रहण का कारण है, ये चंद्रमा व पृथ्वी की साया पड़ना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पर पृथ्वी की साया पड़ती है। ध्यान से समझना इस चीज को, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की साया पड़ती है। उन्होंने ये कारण बताया कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की साया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसलिए हमने जब भी हमारे भारत का पहला जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजा था, उस कृत्रिम उपग्रह का नाम भी इनके नाम पर रखा था, आर्यभट्ट। आपको याद हो तो भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। और इन्हीं महान खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर हमने हमारे प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। तो आप लिख सकते हैं इस लाइन को कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। और भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। महान खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर ही हमने इस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। अब थोड़ी सी चर्चा हम भारत से बाहर भी कर लेते हैं। भारत के अलावा दुनिया भर में बहुत से ऐसे राष्ट्र हुए हैं जहां पर भी अंतरिक्ष को लेकर के कई अनुसंधान और शोध हुए हैं। उनमें सबसे पहले बात की जाती है यूनान की। शोध, रिसर्च, अनुसंधान के मामले में यूनान की धरती बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। यूनान के अंदर ईसा की चौथी सदी पूर्व, ईसा से 400 साल पहले चौथी सदी पूर्व अंतरिक्ष ज्ञान के विकास के लिए बहुत सारे रिसर्च होने लगे। यूनान में ईसा से 400 वर्ष पहले चौथी सदी पूर्व अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अनुसंधान होने लगे। और इन्हीं अनुसंधान के अंदर यूनान के कुछ महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। याद होगा आप सबको, महान फिलोसोफर हुए हैं प्लेटो यूनान के। प्लेटो के बाद नाम आता है अरस्तु का, और अरस्तु के बाद नाम आता है टोलेमी का, टोलेमी। इन तीनों दार्शनिकों ने भी अंतरिक्ष को लेकर के कुछ रहस्य भरी बातें उजागर करी लोगों के सामने। प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी ये महान दार्शनिक हुए हैं फिलोसोफर यूनान के। ईसा से 400 साल पहले उन्होंने कई चीजें दी थी दुनिया को। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है। पहले एक ये धारणा थी कि पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट पृथ्वी है। मान्यता क्या थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, यानी बीच में पृथ्वी है और बाकी सारे ग्रह दूर दूर स्थित है, और सभी ग्रहों के और इन पिंडों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो पृथ्वी है। ये उस समय धारणा थी। और ये माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर पॉइंट है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये मान्यता थी पहले कि पृथ्वी सेंटर पॉइंट है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन आज ये मान्यता नहीं है, आज ये मान्यता चेंज है। और ये भी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है ये मान्यता थी। ये धारणा 16वीं सदी तक बनी रही। 16वीं सदी तक यही धारणा बनी रही कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
16वीं सदी तक ये बात बनी रही, देखिएगा। उसके बाद में देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के ज्ञान का स्तर बढ़ा 16वीं सदी के बाद, और 16वीं सदी के अंदर ही हमने अभी पढ़ा 1543 के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने, इससे पिछली क्लास में हमने देखा था निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 16वीं सदी तक तो बात थी कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 16वीं सदी के 1543 सन के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया, निकोलस कोपरनिकस, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाम के चैप्टर के अंदर, इस शख्सियत ने सबसे पहले बताया कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्तनेस ने ईसा की 3री सदी पहले में किया था कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, इसका आकलन ईसा से 300 साल पहले इराटोस्तनेस ने किया था। इराटोस्तनेस, इन्होंने सबसे पहले इस चीज का पता लगाया था कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, और ये ईसा से 300 साल पहले। करेक्ट हो गई बात, परिधि की, पृथ्वी की स्पष्ट परिधि का पता इराटोस्तनेस ने, और सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात निकोलस कोपरनिकस ने साबित की थी। एक भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं भास्कराचार्य द्वितीय, ध्यान से समझना, भास्कराचार्य जिनका नाम अभी हमने पहले लिया था, भास्कराचार्य सेकंड, भारत के महान खगोल शास्त्री हुए हैं भास्कराचार्य द्वितीय। इनका जन्म 1114 में हुआ था, 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य द्वितीय। इस विद्वान ने सबसे पहले एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, याद रखना इस चीज का, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, भास्कराचार्य ने, सिद्धांत शिरोमणि, याद रखना इस ग्रंथ का नाम। जिस समय उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी उस समय भास्कराचार्य की उम्र थी 36 वर्ष। भारत के महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नाम के ग्रंथ की रचना की थी। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है, और इसी ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि ने उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और इसमें अपना गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से ये समस्त वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो एक ये ग्रंथ का नाम सिद्धांत शिरोमणि और भास्कराचार्य का नाम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसके बाद में चलते हैं हम आगे, और इन सभी बातों से एक चीज स्पष्ट हुई कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी पता लगाया, पृथ्वी के घूर्णन करने के बारे में भी पता लगाया, और पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में भी बताया, और इन सब का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व कर लिया था। न्यूटन ने भी अपनी धारणा इसके लिए दी थी, लेकिन हमारे खगोल शास्त्रियों ने न्यूटन से भी कई समय पहले इन चीजों का पता लगा लिया था। किन्होंने? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने और भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति शास्त्र, इन सभी विषयों का विस्तृत तौर से भी वर्णन किया गया है। आप देखिएगा ये हमारा जो अंतरिक्ष है इसकी जानकारी करने के साधन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से हम लोग इस अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले हैं दूरबीन। दूरबीन की सहायता से हम अंतरिक्ष के बारे में यानी कि दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र था मात्र। आधुनिक वेधशाला का सबसे जो लेटेस्ट यंत्र है वो दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में दिखाई पड़ती है। और सबसे पहले जो दूरबीन का आविष्कार था वो हॉलैंड के निवासी हैंस लिप्रर्स ने किया था, याद रखना इस चीज़ का। दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार, ये आप कॉपी में लिख दीजिएगा, प्रथम दूरबीन का आविष्कार,
प्रथम दूरबीन का आविष्कार। हेंस लेप्रसी, हेंस लेप्रसी, हेंस लेप्रसी, लेप्रसी कह सकते हैं, हेंस लेप्रसी। इन्होंने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया, हॉलैंड के रहने वाले थे ये। हॉलैंड को आजकल किसी और नाम से जाना जाता है, आपको याद हो तो, नीदरलैंड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड के नाम से। हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हेंस लेप्रसी ने प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। लेकिन इस दूरबीन से दूर स्थित आकाशीय पिंडों को सही स्पष्ट तौर से हम नहीं देख सकते थे। इनके बाद में एक ऐसे और महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आकाशीय पिंडों को देखने का सबसे पहला दूरबीन बनाया, और वो थे गैलीलियो, जिन्होंने 1610 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया। तो आप आराम से लिख सकते हैं, आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किया जाने वाला दूरबीन का आविष्कार। लिखो, आकाशीय पिंडों को, आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किया जाने वाला, देखने में प्रयोग किया जाने वाला, देखने में प्रयोग किया जाने वाला दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। और यह किया था इन्होंने 1610 ईस्वी में, 1610 में, 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशीय पिंडों को देखने वाले दूरबीन का प्रयोग किया। और वर्तमान के अंदर कई देशों ने आकाशीय पिंडों को देखने के लिए अच्छी कोटि की दूरबीन निर्माण कर ली है। अमेरिका ने, भारत ने, रूस, चाइना, फ्रांस, और अच्छी कोटि की, उत्तम कोटि की दूरबीन है इन सभी देशों के पास में, जिनकी मदद से हम अंतरिक्ष में स्थित कई महत्वपूर्ण आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। और उसके बाद में कई प्रकार की नवीनतम जानकारियां भी हमने प्राप्त करी है। इस तरीके की एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं, हमारे राजस्थान के उदयपुर के अंदर फतह सागर झील है, जो उसके टापू पर भी एक दूरबीन स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है, और इसका नाम रखा गया है मस्ट। अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इसको परीक्षा में आने वाला सवाल है, मस्ट क्या है। देखिए, एनसीईआरटी आपको कितना अच्छा ज्ञान दे रही है, तमाम प्रकार की भ्रांतियों से हटते हुए, गाइड्स के चक्कर में न पढ़ के, ये जो बुक है आपके स्टडी मटेरियल की कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, इसमें कई प्रकार की ऐसी चीज़ें मिलेगी जिनको आप बहुत सारी किताबों को और नोट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि परीक्षा में आने वाली उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ों को आप एनसीईआरटी में से ढूंढ सकते हैं, और ऐसा क्लास नोट्स जो इस पर आधारित हो उसमें ये तमाम सही और पूरी